Hi, today is 11th of August 2020. Let us have a quick brief of all these important articles. Our reference material would be this The Hindu newspaper, Tuesday, August 11, 2020, New Delhi edition, and The Indian Express, again, 11th of August 2020, New Delhi edition. Today we will talk about. इट विल नॉट बी अ ज़ीरो अकेडमिक ईयर यहाँ पे ये यह अभी क्लैरिफाई किया है कि कोविड नाइन्टीन के कारण ये जीरो अकेडमिक ईयर नहीं होगा न्यू अंडर सी केबल टू बूस्ट नेट स्पीड इन अंडमान एंड निकोबार थर्ड इज वेन द पोस्टमैन रिंग्स विद कैश ह्यूमन ए टी एम जो इंडियन पोस्ट ऑफिस नेटवर्क है दे आर डूइंग एन एग्जैम्पलरी जॉब इन दिस कोविड नाइन्टीन बैकड्रॉप फोर्थ इज अबाउट रेड फ्लैग्स ओवर चेकस एंड बैलेंस आज ग्यारह अगस्त है आज डेड लाइन ओवर हो रही थी ड्राफ्ट पॉलिसी ई आई ए ट्वेंटी ट्वेंटी फिफ्थ इज अबाउट फायर सेफ्टी मेजर्स लिप सर्विस टू रेगुलेशन यहाँ हम बात करेंगे दिस बी आई एस का नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया सिक्स इज अबाउट मिसप्लेसड प्रायोरिटीज अग्रेसिव टेस्टिंग एडिटोरियल द हिंदू ये लीड आर्टिकल है द हिंदू का आइसोलेटिंग चाइना एज प्रपोजिशन एंड द रियलिटी देन एट इज मेन ब्रिक्स टू यूज़ इन इंडियाज स्टील फ्रेम वेरी गुड आर्टिकल एक्स सिविल सर्वेंट ने लिखा है दिस इज अबाउट कि जो सिविल सर्विसेज है वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया माना जाता है एडमिनिस्ट्रेशन पे बट इट नीड्स सर्टेन ओवरहॉल और यहाँ कुछ चेक्स एंड बैलेंसेज होना ज़रूरी है दैन नाइन्थ इज अबाउट मेकिंग अप फॉर शॉर्ट फॉल इन जी एस टी कलेक्शन ये काफ़ी कॉन्सेपचुअल आर्टिकल है एक्सेलेंट आर्टिकल इसमें हम जी एस टी रिलेटेड जितने भी इशूज़ अभी रिसेंट टाइम में डिस्कस किए हैं हमने जी एस टी में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कंपनसेशन को देन फोर्टीन परसेंट जो ग्रोथ रेट है एट्सेट्रा वी विल टॉक इन डिटेल देन दिस इज अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रोंग दिस ईयर बिजनेस न्यूज़ में बी ओ पी जो इंडिया का है ये स्ट्रॉन्ग होगा थर्टींथ ऑफ जुलाई को इन्फोग्राफिक्स में वी टॉक्ड अबाउट इट विल हैवर डिस्कशन आज हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है टुडेज क्विज इज बेस्ज ऑन एंशंट इंडिया दीज आर फाइव क्वेश्चन ये वोकेबुलरी है और आज हम देखेंगे ग्रामर में ईडियम्स ईडियम्स इम्पॉर्टेंट है सर्टेन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ईडियम्स अबाउट टाइम सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट फोर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स लेटस बिगिन दिस इज़ दिंदू न्यूज पेपर यहाँ जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस इट विल नॉट बी अ जीरो अकेडमिक ईयर ऑफिशियल्स ने बोला है हाउस के पैनल को और ये जो डिसीजन है ये विद इन फिफ्टीन डेज लिया जाएगा डिसीज़न होगा कि स्कूल्स एंड कॉलेज को कब रीओपन करना है विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ टाइम जीरो अकेडमिक ईयर इसको नहीं माना जाएगा जीरो अकेडमिक ईयर का मतलब होता है उस साल कोई टीचिंग नहीं हुआ और एग्जामिनेशन नहीं हुए तो उसको लैप्स ईयर मान लेंगे बट नो no, ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेज इन तमिलनाडु तो सी फिज़िकल रीओपनिंग जो स्कूल्स और कॉलेज है ये विद इन टेन टू फिफ्टीन डेज होगा आफ्टर डिस्कशन इंस्टीट्यूट स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ होम मिनिस्टर ये जितने स्टेक होल्डर्स हैं इनके साथ एक डिटेल्ड कंसल्टेशन किया जाएगा एजुकेशन हमको पता है एजुकेशन हमारे यहाँ तीन लिस्ट होती है सेंट्रल स्टेट और कॉन्करेंट तो जो री ओपनिंग कम्स है अंडर द पोव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का इसमें से पूछा जाएगा वाई बिकॉज कोविड नाइन्टीन में स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन किया है कंटेनमेंट जोन्स आइडेंटिफाई करने का और प्रोटोकॉल्स मेजर्स लाने का इवन लॉकडाउन का भी सो स्टेट गवर्नमेंट्स वुड टेक अ कॉल आफ्टर असेसिंग द लोकल स्प्रेड ऑफ द पैंडमिक बिकॉज इंडिया इज बिग कंट्री ट्वेंटी एट स्टेट आर देयर तो स्टेट वाइज डिसीजन यहाँ पे लिया जाएगा स्कूल्स सिंस मिड मार्च नाउ इससे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है मच ऑफ द टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन हैव बिन डूइंग थ्रू डिजिटल मैथड बट प्रॉब्लम इज डिजिटल डिवाइड डिजिटल डिवाइड डिजिटल सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल टू ऑल स्टूडेंट्स एट द सेम टाइम जो स्कूल का प्रॉपर एनवायरनमेंट होता है स्पीयर लर्निंग होती है न्यूट्रिशनल मिड डे मील स्कीम्स होती हैं ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं और ये ग्रेट लॉस है सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस जीरो अकेडमिक ईयर नहीं होगा विद इन फिफ्टीन डेज यहाँ पर डिसीज़न लिया जाएगा देन ये सेकेंड न्यूज़ है दिस इज़ अबाउट मानसून फिशिंग ये सीन है गुवाहाटी का यहाँ पे फ्लड्स काफ़ी ज़्यादा हैं फ्लड वाटर दिस इज़ फिशिंग दैन दिस इज़ न्यू अंडर सी केबल टू बूस्ट नेट स्पीड इन अंडमान इंटरनेट हम कॉन्टीन्यूसली बात करते हैं इंटरनेट एसेंशल ह्यूमन राइट है अंडमान एंड निकोबार में भी फास्ट स्पीड इंटरनेट होना ज़रूरी है अंडमान स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है तो यहाँ पर एक टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड किलोमीटर का सब मरीन सब मरीन कैसा होता है ये ऑप्टिकल फाइबर होते हैं इनको समुद्र के बेड पर ऐसे बिछाया जाता है ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराया जा सके ऑप्टिकल फाइबर से हाई स्पीड इंटरनेट डिलीवर हो सकता है तो ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ था इसका अभी न्यूज़ में है ये चेन्नई टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कनेक्ट होगा 2300 किलोमीटर लॉन्ग नेशनल सिक्योरिटी लिंक्ड बॉर्डर एरियाज एंड आइलैंड स्टेट्स ये जो दो आइलैंड्स हैं यूटीज़ भी हैं दिस अंडमान एंड निकोबार और ये यहाँ पे हमारा दिस लक्षद्वीप तो ये दोनों आइलैंड्स हैं यूटीज़ दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस है ट्रेड के लिए स्पेशली अंडमान एंड निकोबार ट्रेड के लिए और सिक्योरिटी के लिए वाई बिकॉज़ ये जो अंडमान निकोबार है ये मलक्का स्ट्रेट से प्रॉक्सिमिटी है मलक्का स्ट्रेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ एंटायर वर्ल्ड सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन चाइना एशियान सब डिपेंडेंट है इस मलक्का स्ट्रेट में और इसके पास में है अंडमान एंड निकोबार सो तो अंडमान एंड निकोबार इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक है ये सारे एग्जामिनेशनस का एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी इसमें इम्प्लीमेंटेशन में, में अंडमान एंड निकोबार इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटिजिकली ही नहीं हमने ट्राइब्स की भी बात किया था अंडमान में बहुत सारे पी वी टी जीज भी हैं सो दैट इज़ वाई अंडमान के बारे में वी शुड हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग आज इन्फोग्राफिक्स में भी हम अंडमान एंड निकोबार पढ़ेंगे तो एनहेंसमेंट करना है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट को नए एयरपोर्ट बनेंगे कार निकोबार कैंप बेल बे, पैसेंजर टर्मिनल स्वराज दीप शहीद दीप और लॉन्ग आइलैंड द होल आइडिया इज़ यहाँ पे हमें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है वाटर वे नेटवर्क एंड पोर्ट्स ये फोकस एरिया होंगे सो दिस थिंग यहाँ पे कवर्ड है कि नेट स्पीड करना है और ओवरऑल यहाँ पे हमें ग्रोथ इन दिस इंश्योर करना है नौ ये थर्ड काफ़ी अच्छी न्यूज़ है वैन द पोस्टमैन रिंग्स विथ कैश एक जमाना था जब ऐसे चिट्ठी आती थी फिर उसके बाद ये व्हाट्सएप आ गए बट पोस्टमैन जो हैं ये अभी भी जो पोस्ट ऑफिस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है रूरल एरिया में इंटर एरियाज़ में पोस्टमैन और दिस पोस्ट ऑफिसेज का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है तो देट इज़ वाई हम बहुत सारी स्कीम्स भी अभी लेके आते हैं पोस्ट ऑफिस का अपग्रेडेशन करने के लिए इनका जो सर्विसेज है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए इंटरनेट के थ्रू कनेक्टिविटी देने के लिए इसमें कोविड नाइन्टीन में एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है कि ये जो पोस्ट ऑफिस पोस्टमैन है ये कैश डिस्पेंसेशन भी हो रहा है दे आर एक्टिंग लाइक एन ए टी एम यहाँ ये रिलीफ फॉर एल्डरली है बिकॉज एल्डरली यूजली क्या होता है कि यंगस्टर्स तो टैक्स सेवी होते हैं बट एल्डरली को हैंडल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है यू पी आई पेमेंट ए टी एम एट्सेट्रा तो उस केस में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ये फ्री सर्विस है पीपल यहाँ विड्रॉ कर सकते हैं पोस्टमैन को अपने घर पे बुला के दस हज़ार रुपये एट ए टाइम आपको आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट से पोस्टमैन के पास एक पोर्टेबल बायोमेट्रिक डिवाइस होगा उससे वो फिंगरप्रिंट मैच कर लेंगे तो इससे क्या होगा कैश इकोनॉमी में क्रेडिट फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट तो यहाँ पे इनको फॉर्मल वे में ये कैश की डिलीवरी हो रही है ऑन डोर सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ टेम्पलेट है यू कैन यूज इट इन वेरिड यूज केसेज आंसर राइटिंग में यूज दिस थिंग पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क ह्यूज है क्रूशियल और फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए पोस्ट ऑफिस अनपैरल है दे आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट देन ये फ्रंट पेज में सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू न्यूज पेपर दैन ये पेज नंबर टू है दिस इज पेज नंबर थ्री वाटर वाटर शॉर्टेज ड्रिंक वाटर ह्यूमिड डे दैली देन दिस इज पेज नंबर फोर जन्माष्टमी है जितने भी फेस्टिवल्स अभी आ रहे हैं सेलिब्रेशन आ रहे हैं सब कोविड नाइन्टीन के कारण सबड्यूड हो रहे हैं तो यहाँ पर भी कोविड नाइन्टीन का इम्पैक्ट दिख रहा है पैंडमिक कास्ट इट्स शेडो ऑन जन्माष्टमी सेलिब्रेशन देन दिस इज़ अबाउट पेज नंबर फाइव यहाँ पे भी पुणे में डग्गू सेठ गणपति जी कैंसल्स पब्लिक सेलिब्रेशन वाई बिकॉज ऑफ दिस कोविड नाइन्टीन ऐसा पहली बार हुआ है कि वन ट्वेंटी सेवन ईयर ट्रेडिशन को यहाँ पे ब्रेक करना पड़ा देन ये एडिटोरियल है एडिटोरियल द हिंदू का बिफोर दैट ये द इंडियन एक्सप्रेस है ये इसका फ्रंट पेज है हमारे प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट साहब प्रणब मुखर्जी साहब कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव सर्जरी फॉर क्लॉट अभी ये एडमिट है देन दिस इज़ रेड फ्लैग ओवर चेक्स एंड बैलेंस ई आई ए ड्राफ्ट फीडबैक आज जो था ग्यारह अगस्त को क्लोज हुआ है इसमें बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस जो आइडेंटिफाई किए हैं मिनिस्ट्री ने बताया है कि वो कुछ 50 कंसर्न्स को रिवर्ट करेगी और उसको देखेगी दिस इज़ अ ड्राफ्ट प्रपोजल एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज़ प्रायोरिटी दिस अभी यहाँ पे अश्योरेंस दिया है मिनिस्टर ने देन दिस इज़ पेज नंबर टू ये पेज नंबर थ्री है दिस इज़ पेज नंबर फोर सी जैसे ये होते हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन इसको हमने काफ़ी डिटेल में पहले भी देखा था ओपन बुक एग्जामिनेशन की तरफ अभी जो है ना करिकुलम मीडिया पैडागॉगी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो यू शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग और एक व्यू पॉइंट डेवलप करना है ओपन बुक एग्जामिनेशन ये होता क्या है चैलेंजेस क्या है एवरीथिंग तो ये डी यू अभी यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम डे वन डी यू यहाँ पे हुआ है वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस ये है गाजीपुर लैंडफिल ये नोटोरियस है ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन पहाड़ बन गया है इस कचरे का इसका क्लीन अप करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये पॉल्यूशन हो रहा है जो एडजेसेंट सराउंडिंग एरिया है दे आर ऑल्सो सफरिंग तो दिस इज़ क्लीन अप ड्राइव गाजीपुर लैंडफिल देन दिस इज पेज नंबर फाइव यहाँ पे भी ई आई ए है ये अभी काफ़ी न्यूज़ में आएगा यहाँ पे ऑफिशियल्स ने बताया है सेक्रेटरी यूनियन मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट ने कि ई आई ए ट्वेंटी ट्वेंटी हमने क्रिटिसिज्म तो देखा था यहाँ पे ये बताया है कि जो 2006 का एक्ट था ये 2006 का जो एक्ट था वो भी फुल प्रूफ नहीं था इससे अननेसेसरी डिले हो रहे थे प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स अननेसेसरी पेंडिंग में चले जाते हैं क्लियरेंस नहीं मिल पाता है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो रही थी सो दैट इज़ वाई इस 2020 में इसमें इन्होंने मॉडिफ़िकेशन किए हैं और पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ अकाउंटेबिलिटी के साथ ये सारे मेजर्स हैं तो यहाँ पे इन्होंने इन सारे मेजर्स को डिफेंड किया है इसमें अभी फर्दर और हम डिस्कस करेंगे दिस इज पेज नंबर सिक्स दिस इज पेज नंबर सिक्स ये पेज नंबर सेवन है एंड दिस इज एडिटोरियल सेक्शन सो लेट अस कम टू एडिटोरियल दिस इज द हिंदू एडिटोरियल हॉस्पिटल यहाँ पे दिस रेड फ्लैग्स ओवर चेक्स एंड बैलेंस बिफोर दैट दिस इज पोस्टमैन ये ई का था ई आई ए ट्वेंटी ट्वेंटी ये जो ड्राफ्ट पॉलिसी है फीडबैक क्लोज हुआ है सो दिस दिस आई वॉज सीन कि फिफ्टी मेन कंसर्नस हैं मिनिस्टर ने अभी एंश्योर किया है कि वो उनको स्क्रूटिनाइज़ करेंगे जो एनवायरमेंटलिस्ट एंड एक्टिविस्ट ने रेज किए हैं कि क्या इशूज़ हैं इस ई आई ए ट्वेंटी ट्वेंटी में हैवे लुक एट प्रीवियस नोट्स इसमें हमने बहुत डिटेल में ई आई ए डिस्कस किया है गेट दिस पी डी एफ फ्रॉम टेलीग्राम एंड रिवाइज इट फ्रॉम देयर प्रीवियसली ई आई ए ट्वेंटी ट्वेंटी के क्या कंसर्नस हैं संडे को एफ एक आया था उसमें ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था ग्रेटर डिस्क्रिशन है अगर शॉर्ट में हम देखें रिविजिट करें तो डिस्क्रिशन फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड ऑन स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स मतलब गवर्नमेंट का डिसीजन है यहाँ पे ई आई ए कराना है या नहीं कराना है ई आई ए का मतलब होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो पहले जाँच होनी चाहिए कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एनवायरमेंट पे कंजर्वेशन पे और प्रॉपर मेजर्स होने चाहिए ताकि उस इम्पैक्ट को हम मिटिगेट करें मिनिमाइज करें दिस इज़ द होल आइडिया ऑफ ई आई ए प्रमोटर डिक्लेयर वायोलेशन सब्सटैंटिव इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट विल एस्केप स्क्रूटनी तो यहाँ ये कंसर्न था कि ये ई आई ए का जो प्रपोजल है ये डायल्यूट हो गया है तो दैट इज़ बाय मिनिस्ट्री अभी स्क्रूटिनाइज करेगी फीडबैक को ये ड्राफ्ट प्रपोजल था इसमें अभी फर्दर और अपडेट्स आएंगे अभी दिस इज़ द सेकेंड एडिटोरियल दिस इज़ द फर्स्ट एडिटोरियल फर्स्ट एडिटोरियल है दिस इज़ अबाउट दिस लैक ऑफ सेफ्टी कंसर्न रेगुलेशन होना ज़रूरी होता है एक चीज़ होती है हेज़ार्ड हेज़ार्ड मतलब वहाँ पर पोटेंशियल डिजास्टर पॉसिबल है और दूसरा होता है फिर वो डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो गया है ये नेचुरल हो सकता है मैनमेंड हो सकता है एनी थिंग तो जैसे अभी हमने देखा दिस हॉस्पिटल्स में यहाँ पे दिस मैनमेड डिज़ास्टर हुआ ये फायर हुआ यहाँ पे इससे पहले हमने इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स देखे थे स्टाइल गैस एंड ऑल लीक सो यहाँ सेफ्टी मेजर्स एंश्योर कराना बहुत ज़रूरी है लिप सर्विस टू रेगुलेशन इज़ नॉट एट ऑल गुड ये होता है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया दिस इज इंपॉर्टेंट एडिशनल फायर सेफ्टी प्रोविजन होने चाहिए हॉस्पिटल्स के पास हॉस्पिटल एक्रीडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनको एक्रिडिटेशन मिलता है अप्रूवल मिलता है रेटिंग्स होती हैं ये ज़रूरी होता है और रेगुलर इंस्पेक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ये मैंडेटरी होना चाहिए और एन्फोर्स होना चाहिए सारे स्टेट्स में अगर स्मोक अलार्म्स हैं स्मोक अलार्म्स वर्क करते हैं स्मोक आते ही अलार्म बजने लग जाता है स्प्रिंकलर होता है ऊपर से पानी गिरने लग जाता है ये सिस्टम इंश्योर्ड है दीज आर मैंडेटरी थिंग्स लोकल फायर फाइटिंग एड्स होनी चाहिए लॉस ऑफ लाइफ जो होती है लाइफ इज प्रीशियस इसको एलिमिनेट करना है ऑल पेशेंट्स शुड ऑल्सो बी कवर्ड बाय सब्सटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस अगेन जैसे ये सवाल अभी आपसे पूछा जाए फायर सेफ्टी अभी जो हुआ इसमें क्या आपके नेक्स्ट स्टेप्स होने चाहिए सो दीज आर वेरी गुड पॉइंट्स कि नेशनल बिल्डिंग कोड इंश्योर होना चाहिए स्मोक अलार्म स्प्रिंकलर सिस्टम होना चाहिए और ये जो लॉस ऑफ लाइफ है ये एलिमिनेट होना चाहिए पेशेंट्स को सब्सटेंशियल लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए इवैक्यूएशन सिस्टम होना चाहिए आई पेशेंट्स का ऑन प्रायोरिटी देन मेनी फायर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स जो हैं वो टेरेबल टोल है शुड लीड टू सच फैसिलिटीज़ फॉर सेफ्टी इंस्पेक्शन एंड रेगुलेशन इज इंपॉर्टेंट रेगुलर इंस्पेक्शन होना चाहिए ट्रांसपेरेंट एंड टाइम बाउंड सिविल सोसाइटी कीपिंग अप द प्रेसर ऑन गवर्नमेंट टू एक्ट सो दीज आर सर्टेन पॉइंट दे आर वेरी गुड नाउ यहाँ नाम लिखा है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया समटाइम्स बैक हमने पढ़ा था अर्थक्वैक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होती है एक होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स तो ये जो बी आई एस है इसने कुछ गाइडलाइंस बनाई है नेशनल बिल्डिंग कोड जैसे जो इमरजेंसी स्टेयर केस होता है वो मैंडेटरी होता है उसकी विथ्थ कितनी होनी चाहिए सेपरेट यहाँ पे प्रोविजंस होने चाहिए फायर एक्सटेंगूशन होने चाहिए सो दीज ऑल थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट ये वर्स्ट डे में सेव करती है हमें तो ट्राई टू राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बी आई एस बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया बी आई एस नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन दिस देन दिस इज द सेकेंड एडिटोरियल ये है मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज यहां पे रेगुलर टॉक्स हैं कि कोविड नाइनटीन की जो फाइट है लॉकडाउन उससे डिले कर सकता है बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन सॉल्यूशन है कि एग्रेसिव टेस्टिंग हो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो और उससे हम वायरस को कंटेन करें जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ रही है तो दैट शुड बी अवर प्रायोरिटी देन ये जो आर्टिकल है लीड आर्टिकल है ये लिखा है मिस्टर एम के नारायण साहब ने एम के नारायण साहब काफ़ी अच्छे आर्टिकल लिखते हैं व्यूज़ देते हैं नेशनल सिक्योरिटी पे बिकॉज ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे हैं एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल यहाँ ये बता रहे हैं कि चाइना के साथ हम जो मीडिया होता है ये एक नॉइज़ होती है नॉइज़ क्रिएट करता है हम तुरंत इमिजिएटली कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं हम टॉल प्रोमिसस करते हैं बट रियलिटी में ये सारी चीज़ें जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है अभी जैसे चाइना में बॉयकॉट चाइना एंड सो मेनी थिंग्स वर्द दैर बट सी दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन और ये हो भी नहीं रहा है अभी बिजनेस में हम देखेंगे चाइना के साथ और ज़्यादा हमने इम्पोर्ट किया है बिजनेस और आगे बढ़ाया है सो so, आइसोलेट करना है चाइना को तो ये रियलिटी से बहुत दूर है वाई बिकॉज इकोनॉमिक जो स्ट्रांग होल्ड है चाइना का वो बहुत ज़्यादा है कंट्रीज़ लाइक इंडिया मस्ट नोट दैट डिस्पाइट इट्स बैलजरेंस हमारे मीडिया में हम कितना भी नॉइज़ करें बैलजरेंस दिखाएं टॉल चीज़ें बोलें बट वो रियलिटी से परे है चाइना इज फार फ्राम बींग क्वारंटाइन गिवन इट्स इकोनॉमिक क्लाउड चाइना और यू एस का फेस ऑफ है तो दोनों अभी अलाई सीख कर रहे हैं दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट चाइना अपने नए फ्रेंड्स ढूंढ रहा है जैसे अभी ईरान के साथ इसने पार्टनरशिप किया यू एस अपने नए फ्रेंड्स ढूंढ रहे हैं जैसे यू एस और इंडिया के टाइज अभी इंक्रीज हो रहे हैं देन एल में अभी फेस ऑफ हुआ हमने इतना ज़्यादा यहाँ पे बात किया बट अभी इतने टाइम बाद क्या रिजल्ट्स हुए हैं वहाँ पे कोई ब्रेक थ्रू नहीं है चाइना की दिस पी पीछे नहीं पुश हुई है चाइना फियर्ड है बट नॉट लव नॉट दिस इज़ द वीकनेस ऑफ चाइना चाइना का, का काफ़ी टाइज हैं जैसे श्रीलंका में भी बताया था यहाँ के हेड्स ने कि चाइना के साथ क्लोज टाइज करना इनकी कमिटमेंट इनकी मजबूरी है इनको करना पड़ेगा बट जो इंडिया है वो श्रीलंका का नेचुरल पार्टनर बन के आ रहा है तो चाइना इज़ देयर बट चाइना फियर्ड है कम्पलशंस के थ्रू चाइना है इट इज़ नॉट लव्ड और यहाँ पे इंडिया का स्ट्रेंथ आता है इंडिया के ट्रेडिशनली अच्छे रिलेशंस रहते हैं सो इम्पीरियलिस्ट एंड एक्सपांशनिस्ट पावर है चाइना नो रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल रूल्स एंड ऑर्डर है फॉर एग्जाम्पल no कुछ केसेस देखें तो बीजिंग ने वर्चुअल टेक ओवर कर लिया है हॉन्ग का पेइंग स्कैन रिगार्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम डेंग जियोपिंग का हमने देखा था एक आर्टिकल मार्गरेट थेचर से उन्होंने कुछ बातें कही थी बट वो उसने डिसरिगार्ड कर दिया वन कंट्री टू सिस्टम था फॉर फिफ्टी ईयर्स बट उसको भी डिसरिगार्ड किया तो दिस इज चाइना पैरासेल आइलैंड हैं वियतनाम के साथ चैलेंज है मिशी फ्री फॉर स्पार्टी आइलैंड है ये फ़िलिपींस ये भी हमने अभी कुछ दिन पहले दिस साउथ चाइना सी इशूज़ में ये सारे चीज़ें मैप में देखे थे नाउ स्कैर बोरो शोल है इंटरनेशनल कन्फ्रंटेशन है तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग ये चाइना डिसरिगार्ड कर रहा है इवन अंकलॉज को भी चाइना रिमेन्स अनफीज्ड इकोनॉमिक मसल पावर बिकॉज चाइना की बहुत ज़्यादा है अभी कोविड नाइन्टीन में भी काफ़ी ज्यादा क्रिटिसिजम हुआ बट इन दी एंड वी ऑल वर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर दिस मेडिसिन और दिस सप्लाइज एंड ऑल तो इकोनॉमिक एंड मैन्युफैक्चरिंग मसल्स बहुत ज्यादा है चाइना के पास गैलोर ऑल्सो एग्जिस्ट अबाउट चाइना की एक्सपांशनिस्ट एटीट्यूड प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था एक्सपांशनिस्ट एटीट्यूड विल नॉट बी टॉलरेटेड एटीट्यूड है साउथ चाइना सी में ताइवान में जापान में वियतनाम इंडोनेशिया साउथ कोरिया एवरीवेयर चाइना हर जगह यहाँ पे दिस फेस ऑफ हो रहा है सब ने कंप्लेन किया है अबाउट चाइनाज मैनेसिंग पॉस्चर्स इन दया विसिनिटी इवन जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसमें भी कंपलशन हैं इवन इफ़ यू टॉक अबाउट दी सर्टन पाकिस्तानी एडिटोरियल्स और इनके जर्नलिस्ट का भी दे आर रेजिंग सीरियस कंसर्न कि ये जो सी है दैट इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर दिस पाकिस्तान से इकॉनॉमी फेवर चाइना का है यहाँ पर डिसएडवाटेज पाकिस्तान है तो ऐसे बाकी कंट्रीज भी यहाँ पर अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं इंडिया की नेबरहुड में इसका स्ट्रोंग होल्ड बनता जा रहा है फ्यू नेशन्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर विलिंग टू रिस्क चाइना नो कोई भी चाइना से अभी रिस्क नहीं लेना चाहता है वाई बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक मसल पावर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज हैं फोज्ड ओवर द ईयर्स हैं चाइना के फॉरेन मिनिस्टर मीनवाइल यहाँ पर एक इनका डिफरेंट प्लान है वर्चुअल मीटिंग अभी हुआ था नेपाल अफगानिस्तान पाकिस्तान में ये ट्राइंग टू गेट क्लोज़ इंडिया के जो नेबर्स हैं चाइना हैज़ ऑल्सो मेड हेडवे इन ईरान अभी चाबार पोर्ट में भी हमने डेवलपमेंट देखे थे ट्वेंटी फाइव ईयर्स तक यहाँ पर अग्रीमेंट हो गया है ऑयल सप्लाई का और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट भी आएगा यहाँ पर वहाँ का जो रेल बनाना था उसमें इंडियन जो है इरकॉन उसको ड्रॉप किया गया तो दिस इज़ ऑल्सो चाइना चाहबार का जो एडवांटेज है इंडिया को था वो नलीफाई करने की कोशिश है 25 फाइव ईयर्स जो है ईरान का ऑयल सप्लाई होगा ओके का बट अगेन वन थिंग वी शुड नोट ईरान के जो मिनिस्टर हैं उनका नेक्स्ट डे फिर स्टेटमेंट आया था कि लाइक दे स्टिल प्रेफर इंडिया बट चाइना के साथ जाना इज काइंड ऑफ लाइक मजबूरी में जाना पड़ रहा है वाई बिकॉज़ यू के सेंक्शनज हैं बहुत ज़्यादा और दे नीड मनी सो दे नीड मनी एंड दे फियर चाइना दैट इज़ वाई दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन तो दिस इंडिया कैन यूज़ इन इट्स एडवांटेज सो ये कुछ कमेंट्री है कि आइसोलेटिंग चाइना प्रपोजिशन रियलिटी जो होती है वो अलग होती है दैट इज़ वाई नॉइज बंद करने के बजाय हमें वर्क करना चाहिए सेल्फ रिलायंट होने में सेल्फ रिलायंट इंडिया में दैट इज़ वाई हमने डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात किया मैनुफैक्चरिंग की बात किया दिस इज़ वन थिंग नाउ ये एडिटोरियल दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी गुड ये अगेन लिखा है आर के राघवन साहब ने ये फॉर्मर सी बी आई डायरेक्टर हैं फॉर्मर हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू सिप्रस ये बात करते हैं सिविल सर्विसेज का सिविल सर्विसेज के अभी रिजल्ट भी आए मेन ब्रिक्स टू यूज इन इंडियाज स्टील फ्रेम सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं एन सी आर टी में हमने पढ़ा है ये क्या होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं दे आर वेरी इमपॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस स्कीम्स का फॉर्मुलेशन उनका इम्प्लीमेंटेशन डे टू डे वर्क ब्यूरोक्रैट्स जो हैं ये स्टील फ्रेम है जिन्होंने पूरे इंडिया को ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा करके रखा है सो दे आर कॉल्ड स्टील फ्रेम बट प्रॉब्लम ये कई बार सवाल उठता है कि ये स्टील फ्रेम में रश तो नहीं लग रहा है अमिड्स ऑल द फैन फेयर फैन फेयर है ग्लोरी है करिज्मा है एवरी थिंग इज देयर बट इट इज लेजिटिट टू आस्क ये क्वेश्चन पूछना भी जरूरी है सिविल सर्वेंट से बिकॉज इन देंड दिस इज सर्विसेज सर्विसेज टू होम सिविल जनता की सर्विस आर द राइट टाइप ऑफ मैन एंड वुमेन बींग इंडक्टेड इन टू द हायर ब्यूरोसी ये सवाल होता है इज देअर एनी मिड करियर रिव्यू मिड करियर रिव्यू होना चाहिए परफॉर्मेंस का सो दैट द मिस फिट्स एंड द डिसनेस्ट आर वीडेड आउट जैसे एंट्री होती है ट्वेंटी वन टू थर्टी टू अगर जनरल देखें तो इस एज में आपकी एंट्री हुई बट आप नेक्स्ट थर्टी ईयर तक सर्विस में रहोगे तो इस एक सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपके थर्टी ईयर्स कैसे जज किए जा सकते हैं ये एक सवाल है जो मतलब वैलिड नहीं प्रूथ नहीं सही नहीं होना चाहिए कि एक एग्जाम आपका नेक्स्ट थर्टी ईयर का जजमेंट बताएगा तो दैट इज़ वाई मिड करियर रिव्यू भी होना जरूरी होता है देन बोथ दीज क्वेश्चन आर एक्सट्रीमली रेलिवेंट एंड वी वॉन्ट टू सी अप एंड अपग्रेडेशन इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस क्वालिटी ऑफ सर्विस दिस इज इम्पॉर्टेंट नाउ वन साइज फिट्स ऑल फॉर्मूला डिफ़िकल्ट है इसमें जो सेलेक्शन होता है वो भी काफ़ी टीडियस प्रोसेस है लाइक like, प्रिलम्स होता है वो काफ़ी हंड्रेड क्वेश्चन में आप लैक्स इन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर रहे हो दिस इज़ ब्लड बात हंड्रेड स्टूडेंट्स हंड्रेड क्वेश्चन में सो मेनी स्टूडेंट्स यहाँ पे फिल्टर आउट होंगे दैन मीनस है देन इंटरव्यू है दैन जो सेलेक्ट होते हैं दे आर वेरी वेरी लेस परसेंटेज जो होता है जो फाइनल सेलेक्शन मिलता है तो वन साइज फिट्स ऑल फार्मूला इज डिफिकल्ट यहाँ जो इंटरव्यू में अक्सर देखा जाता है वो होता है इंटेलिजेंस वर्सेज इंटीग्रिटी आई कीप ऑन टेलिंग इंटरव्यू इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ नॉलेज नॉलेज आपकी प्रलिम्स में हो गई है नॉलेज आपकी मेन्स में टेस्ट हो गई है इंटरव्यू जो होता है वो होता है आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट आपकी इंटीग्रिटी का टेस्ट आप आंसर बहुत सारे नहीं भी दे पाओगे ना बट इफ़ यू आर गुड विद दिस सॉलिड थिंग्स कॉन्सेप्ट एंड दिस इंटीग्रिटी यू वुड बी गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इंटेलिजेंस वर्सेज इंटीग्रिटी है यहाँ पर एग्जाम पॉपुलर एग्जाम है वाइडर रिप्रजेंटेशन है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी है दिस ऑल्सो अगेन आई कीप ऑन टेलिंग ट्वेंटी वन ईयर से लेके थर्टी टू ईयर दिस दस साल का यहाँ पर ऐसे रेंज है तो इनको सेम पेज पर पे लाना है आप देखना काफ़ी सारे यंगस्टर्स होते हैं वो ईजिली आते हैं छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें करते हैं लिमिटेड नॉलेज बेस है बट उसका एप्लीकेशन करेक्ट होता है और दे टॉप द एग्जामिनेशन और सम पीपल वेरी वेरी नॉलेजेबल बट वो स्ट्रगल कर रहे हैं वाई बिकॉज ये लेवल प्लेइंग फील्ड देता है यू पी एस सी यहाँ पे इनॉमस केयर टेकन बाय सक्सेसिव गवर्नमेंट है टू मेक अवर हायर सिविल सर्विसज रिफ्लेक्ट होता है सोशल डाइवर्सिटी ये भी एम्फेसाइज होता है लेवल प्लेइंग फील्ड ग्लैरिंग इनसेटिविटी है टू द पुअर सिटीजन नाउ ये इशूज़ हैं सिविल सर्विसेज में स्टील फ्रेम तो है बट ये रस्ट क्यों हो रही है इनसेंसिटिविटी इनसेंसिटिविटी टू पुअर सिटीजन दैट इज़ वाई सेंस ऑफ सर्विस इज सो इंपॉर्टेंट एंड द ग्रीड दैट स्टिल अप्लिक्ड्स अ सेगमेंट ऑफ द सिविल सर्विसेज अभी सेवन थर्टी नाइन डिस्ट्रिक्ट हैं हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर और एस पी है पुलिस में बट वो एक्सेसिबल है या नहीं है क्या वो ड्यूटी अपना परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं दिस वी नीड टू एंश्योर और इसमें कई बार जो यंग ऑफिसर्स होते हैं ना दे डू वेरी गुड थिंग यंग ऑफिसर्स हुआ डिफरेंट फ्रॉम द मेजोरिटी ये अक्सर देखा गया है कि दे पुट देआर हार्ट एंड सोल इन टू द टास्क ऑफ एलिविएटिंग द मिजरीज ऑफ द पुअर दैट इज़ वाई समटाइम्स थोड़ा टिल्ट होता है टूवर्ड्स दिस यंग ऑफिसर्स बिकॉज ये फ्रेश थाट्स लाते हैं फ्रेश इनोवेशन लाता है फ्रेश एनर्जी आती है और ये सिस्टम को रिजुवनेट करती है इट इज़ दिस बैंड ऑफ ऑफिसर्स हुज एंड क्विकली सो दिस इज़ वन थिंग दूसरा एक प्रॉब्लम आता है वर्कलोड बहुत ज़्यादा है शीयर वर्कलोड है ब्यूरोक्रेसी में भी यू वुड फाइंड पीपल अभी कोविड नाइन्टीन में इतने सारे केसेज आए दे आर डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क इतना अच्छे से वो काम कर रहे हैं बट वो मीडिया में क्यों नहीं आता है बिकॉज दे आर बिजी विद देयर वर्क साइलेंटली दे आर डूइंग देयर वर्क शेयर वर्क लोड है नाउ ये पुलिस स्टेशन है यहाँ भी एक बहुत ज़्यादा हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है पुलिस स्टेशन जो होते हैं पुलिस इज़ बेसिकली फ्रेंड ऑफ पीपल है फ्रेंड ऑफ पीपल तो दैट इज़ बाय उस इमेज में यहाँ पर इनका इमेज मेक ओवर भी इंपॉर्टेंट है पुलिस स्टेशन हैज़ बिकम एन इंस्टीट्यूशन दैट इज शर्न बाय द लॉ अबाइडिंग सिटीजन तो ये जो डेवलपमेंट है इसको भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है रियल जो डेंजर होता है वो होता है कि इमेज ऑफ द इंडियन पुलिस डिमिनिश हो रही है इनकमिंग यंग ऑफिसर्स इसमें काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं इनकमिंग यंग ऑफिसर्स जस्ट मार्क देअ टाइम एंड do नॉट पुट their foot डाउन वेन इट कम्स टू unethical प्रैक्टिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दिस these फ्यू लाइन्स हमारे यहाँ लार्ज कोर ऑफ एनलाइटेंड सीनियर आई पी एस ऑफिसर्स हैं नाउ सी ब्यूरोक्रेसी में भी एवरीबडी इज नॉट सेम कुछ ऑफिसर्स हैं दे आर वर्किंग रियली गुड सीनियर आई पी एस ऑफिसर्स भी हैं हमारे यहाँ जो नए जो जूनियर्स आते हैं उनको प्रॉपरली ग्रूम करें कैन मोल्ड द कैरेक्टर ऑफ द न्यू एंट्रेंड इफ दे डो नॉट प्ले दिस डेस्परेटली नीडेड रोल दे विल हैव बिट्रेट द कॉन्फिडेंस दैट द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज सरदार वल्लभ भाई पटेल रिपोज इन द आई पी एस एंड आई ए एस सो दैट इज़ वाई ये जो स्टील फ्रेम है इसको मजबूत रखना जरूरी है अकाउंटेबल रखना जरूरी है एक्सेसबल रखना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है कि इट इज़ नॉट अबाउट दिस करिज्मा और दिस इज नॉट अबाउट फेम और एनीथिंग एल्स दिस इज़ अबाउट सेंस सर्विस का सेंस होना चाहिए टूवर्ड्स पीपल सो so, इस पूरे बैकड्रॉप में यू ऑल्सो रीड दिस आर्टिकल यू विल गेट वेरी गुड इनसाइट्स इस पूरे बैकड्रॉप में वॉट आर योर व्यूज़ ऑन रोल ऑफ़ सिविल सर्विसेज इन इंडिया ये काफ़ी डिबेट का टॉपिक है अक्सर सवाल उठते हैं कई बार ये भी सवाल उठते हैं कि ये जो एंटायर ब्यूरोक्रेटिक ब्यूरोक्रेसी है रेड टेपिज्म है यहाँ पे डिलेड प्रोसेस होती है बहुत स्लो है एलिफेंट बन गई है सो योर व्यूज़ ऑन रोल ऑफ़ सिविल सर्विसेज़ इन इंडिया क्या ये केवल पेपर फाइल में ही उलझ के रह जाते हैं सो योर व्यूज़ ऑन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कैसे होना चाहिए स्टील फ्रेम इंपॉर्टेंट है नाउ दिस इज़ मेकिंग अप द शॉर्ट फॉल इन जी एस टी कलेक्शन ये आर्टिकल बहुत अच्छा आर्टिकल है एक्सेलेंट आर्टिकल इसको एक बार आप रीड जरूर करना मेकिंग अप फॉर शॉर्ट फॉल इन जी एस टी कलेक्शन ये जी एस टी का जो कंपनसेशन अभी न्यूज़ में है फोर्टीन परसेंट ग्रोथ टारगेट जो हमने सेट किया था इनिशियली वो काफ़ी अनरियलिस्टिक था और उसके कारण ये अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स आई हैं लेट लेटस हैव अ डिस्कशन इसको हम थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं तो सी दो हफ्ते पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो रिलीज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन स्टेट्स को 2019-20 के सेशन का जीएसटी के बेसिक्स हमने ऑलरेडी देख रखे हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है अमेंडमेंट अभी आया था नए एक्ट के थ्रू ये लगा है काफ़ी सारे एक्ट्स को इसने सब्ज्यूम कर लिया है टैक्सेस को नाउ तो ये जीएसटी कंपनसेशन का अभी न्यूज़ था 2019-20 का अभी यहाँ पे रिलीज हुआ तो ये जो कंपनसेशन था मतलब स्टेट को पैसा देना था वो था इतना और जो उसका कलेक्शन हुआ वो तो इतना ही हुआ तो इसमें क्या हुआ शॉर्टफॉल हो गया सेस फंड इतना प्रॉपर कलेक्शन नहीं आया शॉर्टफॉल हो गया अब ये शॉर्टफॉल फॉल कहाँ से आएगा तो शॉर्टफॉल फॉल मेड अप बाय एक्सेस कलेक्शन इन अर्लियर ईयर पिछले सालों का जो सरप्लस था उससे इस साल का डेफिसिट हमने भर दिया एज सम ऑफ द बैलेंस ऑफ इंटर स्टेट जी एस टी फ्रॉम अर्लियर तो इस शॉर्टफॉल को हमने सी एफ आई से भी देखा और ये इसको फुलफिल कर दिया इस साल तो हो गया बट क्या ये सस्टेनेबल तरीका है आगे के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी ब्लीक नज़र आ रहे हैं अब इसमें हम देखते हैं बैकग्राउंड जी एस टी जो था इसने सब्ज्यूम किया सेवरल टैक्सेस को जो पहले थे प्रिजर्व ऑफ द स्टेट्स के पास थे बहुत सारे टैक्सेस जो थे उन सबको एक कंसोलीडेट फॉर्म में ले आए तभी इसको बोलते हैं वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम जैसे सेल्स टैक्स मिलता था तो ये सारी चीज़ें एक जीएसटी के अंदर आ गई अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें किया गया ये जो अमेंडमेंट था इसने अफेक्ट किया सेवन्थ शेड्यूल को सेवंथ शेड्यूल सेवंथ शेड्यूल क्या होता है दीज पावर्स का ये डिलीमिनेट करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंटर स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट तो अगर स्टेट के रिलेटेड फेडरल नेचर में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो उसमें हमने पढ़ा है 368 आर्टिकल से अमेंडमेंट होता है और हाफ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी होता है तो इसके कारण इसमें पॉलिटिकल विल भी चाहिए और इसमें डिले हुए जी के पहले जो स्टेट्स थे जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है से महाराष्ट्र से कुछ प्रोडक्शन हुआ वहाँ से एक्सपोर्ट हुआ मध्य प्रदेश में तो स्टेट्स एक्सपोर्टिंग गुड्स टू अदर स्टेट कलेक्टेड अ टैक्स बट जीएसटी हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब महाराष्ट्र टैक्स नहीं लगा पाएगा मध्य प्रदेश टैक्स लगाएगा स्टेट वेयर द गुड्स आर सोल्ड रिसीव द टैक्स तो महाराष्ट्र को तो शॉर्टफॉल हो गया बिकॉज एम में वो टैक्स हो रहा है महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है दिस एम्प्लाइज दैट मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स वुड लूज आउट ये घाटे में बो जाएंगे कंज्यूमिंग स्टेट्स वुड बेनिफिट जहां कंजम्पशन ज्यादा है उनको फायदा होगा तो इस मिसमैच को कैसे दूर करें उसके लिए हम आते हैं कंपनसेशन की बात एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स को अग्री करने के लिए एक फार्मूला आया कि हम कंपनसेशन आपको देंगे जितना शॉर्टफॉल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ 2014 में देन प्रोविजन आए फिर वो एक्ट पास होगा रेवेन्यू इसमें बात हुआ कि जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है पाँच साल तक आपको हम वहाँ पर कंपनसेशन देंगे जितना भी रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है ये मॉडलिटीज़ आई फिर जी एस टी कम्पनसेशन टू स्टेट्स एक्ट टू थाउजेंड सेवनटीन में ये फाइन डिटेल्स आए इस एक्ट में अब प्रॉब्लम आती है इसमें हमने ये अज्यूम किया कि ये जो जी एस टी रेवेन्यू है शुरुआत में तो शॉर्टफॉल हुआ बट ये जो जी एस टी रेवेन्यू ईच स्टेट का है वो ग्रो होगा फोर्टीन परसेंट एवरी ईयर से ये हमने अज्यूम कर लिया था जी एस टी फोटीन परसेंट से ऐसे अज्यूम किया है कि ये ग्रोथ होगा और इसके अकॉर्डिंगली कंपनसेशन भी आएगा सो फ्रॉम द अमाउंट कलेक्टेड इन फिफ्टीन सिक्सटीन थ्रू ऑल टैक्सेस सब्ज्यूम बाय द जी एस टी तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि स्टेट्स का जो 2015-16 का कलेक्शन था उससे 14 प्रतिशत पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ होगा और उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे देखेंगे स्टेट जो हैं कलेक्टेड टैक्स लेस देन दिस अमाउंट इन एनी ईयर उनको हम कंपनसेशन कर देंगे फॉर द शॉर्ट जितना भी हुआ जैसे पंद्रह सोलह में महाराष्ट्र का एक कलेक्शन हुआ अगले साल चौदह परसेंट का और ग्रोथ होना था बट अगर नहीं हुआ दस परसेंट का ही ग्रोथ हुआ तो जो वो फोर परसेंट है वो हम यहाँ पे कम्पनसेट आपको कर देंगे और ऐसा पाँच साल तक होगा ये चौदह परसेंट जो टारगेट है ये बहुत अनरियलिस्टिक है ये अमाउंट पेड होगा हर दो महीने में जो बैलेंस है शॉर्टफॉल का फोर्टीन परसेंट से ग्रोथ नहीं हो रहा है और उसमें हम कैग एंड वगैरह ऑडिटिंग भी करेंगे ताकि वो फेयर मैनर में हो जाए अब ये इसके लिए जो शॉर्टफॉल का पैसा लाना है तो हम एक सेस बनाएंगे टैक्स ऑन टैक्स को सेस बोलते हैं कंपनसेशन सेस बनेगा जिसमें स्टेट्स के लिए ये एक्स्ट्रा पैसा जुटाया जाएगा ये एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आएगा ये टैक्स पे टैक्स लगाएंगे एडिशनल सेस होगा सर्टेन आइटम्स में और उससे हम फिर कंपनसेशन का मनी जनरेट करेंगे अब किन आइटम्स पे टैक्स लगाएं तो ये दिन सब चीज़ों पे इन्होंने टैक्स लगा दिया कि इससे सेस आएगा और उस सेस से ये जितना भी शॉर्टफॉल होता है चौदह प्रतिशत से वो कंपनसेट कर दिया जाएगा कब तक पाँच साल तक तो वैलिड फॉर फाइव ईयर अब अब प्रॉब्लम्स आएंगी पहले दो साल में तो सरप्लस हुआ पर बाद में जो जी के रेवेन्यू थे वो शॉर्टफॉल होने लग गए और हमने चौदह परसेंट का टारगेट भी दे रखा है रेवेन्यू ग्रोथ का ये अनरियलिस्टिक है और दिस कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं दिखती नजर आ रही है तो इसका कंपनसेशन देने में अब सेंटर को काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो स्टेट को कैसे इस अनरियलिस्टिक कंपनसेशन को पे करें जीएसटी के रेवेन्यूज नहीं रहे तो अब चार स्थिति पॉसिबल है पहला ये होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करें रिड्यूस करें कि पीरियड जो था एडिशनल कंपनसेशन का वो 2022 जो हमने डिसाइड किया था 2022 उसको कम करके 2020 कर दो और इस बार तो पेमेंट हो ही गया है और अब हम ये ऑफ कर देते हैं अब कंपनसेशन का कोई प्रोविज़न नहीं होगा बट व्हाट अबाउट प्रॉमिस प्रॉमिस तो कर दिया अब आप बैक ऑफ हो रहे हो सेकेंड सेंट्रल गवर्नमेंट इस फंड को शॉर्टफॉल को करे अपने खुद के पैसे से खुद का पैसा सेंट्रल यहाँ पे डाले और जो भी शॉर्टफॉल है उसको टैक्स को स्टेट को दे दे बट सेंटर के पास खुद पैसा नहीं है मनी कहाँ से आएगा देन थर्ड एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है कि सेंटर बोरो करे ऑन बिहाफ ऑफ द सेस फंड बाहर से बोरो कर ले फिर धीमे धीमे उस टैक्स को वापस चुकाएगी जो पैसा उसने बोरो किया है बट अगेन चुकाएगी कहाँ से तो एक काम करते हैं पाँच साल का टेन्योर ही इंक्रीज कर देते हैं इसको दस साल कर देते हैं हो सकता है अगले पाँच साल में स्थिति ठीक हो और हम टैक्स वापस पे कर दें बट इसमें अनसर्टेनिटी है अगर चीज़ें इंप्रूव नहीं हुई देन देन फोर्थ हो सकता है कि ये जो 14 परसेंट ग्रोथ टारगेट है ये हमेशा से अनरियलिस्टिक था कॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाएं और इस नंबर को चेंज करें दैट इज़ वाई रियलिस्टिक होना जरूरी होता है एग्जाम प्रिपरेशन में भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ही थिंक आई विल डू दिस ई पी डब्ल्यू आई विल डू दिस दिस योजना कुरुक्षेत्र सो मैनी थिंग्स जब एग्जाम्स आते हैं तो ही स्टार्ट लुकिंग फॉर दिस कंपाइलेशन रियलिस्टिक होना ज़रूरी होता है अदरवाइज सस्टेनेबल नहीं होता है प्रैक्टिकल नहीं होता है फीजिबल नहीं होता है और फिर उससे सॉल्यूशन नहीं आते हैं तो दैट इज वाई दिस बिल में भी ये जो 14 परसेंट का जो ग्रोथ था ये हमेशा ही अनरियलिस्टिक था डिफिकल्ट है फोर्टीन परसेंट ग्रोथ तो इसमें अब सॉल्यूशन लाने की बात है ये अगेन न्यूज़ में रहेगा इनमें से चार या कुछ दूसरा ऑप्शन अभी गवर्नमेंट लेगी विल री ये जो टेंथ है दैट इज अबाउट दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन ये जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस सोसाइटी जो है इसमें एम्पैथी नहीं है जजमेंटल नेचर है कंपैशन नहीं है डिस्क्रिमिनेट होता है एंड दिज बुलीज़ आर अ बिग प्रॉब्लम इनको भी यहाँ पे कॉल आउट करना जरूरी है वी नीड टू बी मोर रेस्पांसिबल डब्ल्यू एच ओ बी अगेन न्यूज़ है इंस्टीट्यूशंस जो होती है इस पर हमने एक आंसर राइटिंग किया था कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज़ रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर्स डब्ल्यू एच ओ का जो रोल रहा है कोविड नाइन्टीन में उस पर सवाल उठते हैं रेस्पॉन्सिबल नहीं रहा है Then ये देन ये नेगेटिव वाइब्स हैं कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज लेस प्रोड्यूसर भी सफ़र कर रहे हैं कोविड नाइन्टीन में ये मानसून का फ्यूरी भी है कोई एंड नहीं है डिजास्टर्स में ये डैमेज रफ सी तिरुवनंतपुरम में देन दिस इज़ पेज नंबर नाइन दिस इज़ पेज नंबर टेन दिस इज़ पेज नंबर टेन कोविड अपडेट्स यहाँ पे ई में भी मिनिस्टर ने कहा है कि ई का प्रोटेस्ट नीडलेस है अभी फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है जो प्रपोजल है वो केवल ड्राफ्ट है इट इज़ सब्जेक्टेड टू चेंज हो सकता है फीडबैक गवर्नमेंट लिसन कर रही है दैट इज़ बाई ऑपोजिशन बोल रही है कि इसको अभी होल्ड पे रखें और इसको हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे सेल्फ रिलायंस गोल है हमारा देन दिस इज शोकेज़ ये भी शोकेज है लॉकडाउन एंड देन दिस इज़ वर्ड न्यूज़ वर्ल्ड न्यूज़ में चाइना स्लैप सेंक्शन ऑन यू एस चाइना और यू एस ए इन दोनों में बहुत ज़्यादा टसल हो रहा है दैट जो रिलेशन हैं ये डाउन नोज डाइव हो रहे हैं ये है लुका शेंको बेलारस इलेक्शन जीता इन्होंने अभी देन ये हॉगकॉन्ग मीडिया टाइकून है इनको अभी अरेस्ट कर लिया गया देन दिस इज़ फलस्तीन और ये है बिज़नेस न्यूज़ बिजनेस न्यूज़ में फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा इस साल बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये बेसिकली बताता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का इसको डिटेल में पढ़ना है तो थर्टीन ऑफ जुलाई के इन्फोग्राफिक्स में हमने ये पढ़ा था दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है रिकॉर्ड है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का जो स्टेट कर रहा है पूरे साल में डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इंटरेक्शन इसमें इंपोर्ट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है ये इसका फॉर्मूला होता है और ऐसे करके ये आता है नेट बैलेंस और फाइनली बीओपी ऑन कैपिटल करेंट एंड अकाउंट हैव अ लुक थर्टींथ ऑफ जुलाई इफ़ यू गो टू टेलीग्राम उसमें आप सर्च करना थर्टींथ ऑफ जुलाई तो ये पी आ जाएगी हैव अ लुक एट दिस पी डी एफ एंड कॉन्सेप्ट में दिस बैलेंस ऑफ पेमेंट रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वाई आई कीप ऑन एम्फेसाइजिंग यू वॉच दिस वीडियो वेरी गुड नेक्स्ट डे हैव अ लुक एट पी डी एफ जितना भी आपने पढ़ा है ना अगर वो 24 फोर आवर्स के अंदर फिर से आंखों के सामने निकलता है तो वो कंसोलिडेट हो जाता है दैट इज़ वाई नेक्स्ट डे वॉच गेट दिस पी डी एफ वॉच इट देन ये सारे इंस्टाग्राम में भी आई हैव शेयर द पिक एक बार अगर उसे स्वाइप भी करेंगे ना आप आंखों के सामने से सा निकल रहा है तो ये इसका रिटेंशन जो होगा वो टेन टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा रिटेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कितना पढ़ा है उससे ज़्यादा जो पढ़ा है उसका रिटेंशन कितना है वो इम्पॉर्टेंट मायने रखता है सो दिस इज़ इम्पोर्ट ये रिड्यूज़ है पेट्रोलियम कर्ब अब बीओपी पॉजिटिव कैसे हुआ पेट्रोलियम का इंपोर्ट कम हो गया क्यों हो गया लॉकडाउन हो गए गाड़ियां चल नहीं रही है तो रिड्यूस हो गया पेट्रोलियम का इंपोर्ट और जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस भी फॉल डाउन हो गया कर्ब्स लगा दिए हमने नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में इतना चीज़ें इंपोर्ट नहीं करेंगे तो जो पैसा खर्च हो रहा था इम्पोर्ट में वो कम हो गया तो बी इंडिया को फिर थोड़ा फेवर हो रहा है एक्सपोर्ट मीन हेल्दी है तो बी ओ स्ट्रांग है यहाँ पर ये देन इन्फोग्राफिक एंड कॉन्सेप्ट आ जाते हैं सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़ और यहाँ पे है चाइना डेटा होप्स फॉर यू एस पैकेज ऑयल क्लाइम्ब है इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना नो दिस इज वॉट आई कि हम नॉइज बहुत करते हैं एंड लुक एट द फिगर एंड डेटा एंड डायरेक्शन इंडिया का इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना राइज हुआ है जून एंड जुलाई में और हमारे मीडिया एंड दिस एंड ऑल में कितना नॉइज किया था हमने सो दिस इज़ वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स यूजर स्टिल फेवर चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स देन दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन एंड दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन और अब ये है इंडियन एक्सप्रेस इसमें आफ्टर द हार्वेस्ट फर्स्ट एडिटोरियल है वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर आंसर राइटिंग भी हमने किया है कल दिस इज अगेन हमने बिल्डिंग कोड के बारे में पढ़ा दिस इज अबाउट मेल जो वोटिंग होती है बाय पोस्टल बैलेट यू एस इलेक्शन रॉन्ग डायग्नोसिस है मैंडेट है ड्राफ्ट ई आई राजा मंडाला जी काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखते हैं सी राजा मोहन ये इन्होंने बताया है कि इंडिया और यूएस और चाइना तो यूएस का जो इलेक्शन होगा उसमें विनर कौन होता है दिस डेमोक्रेट या रिपब्लिक ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा चाइना को बट इंडिया के रेस्पेक्ट से देखें ना तो इंडिया के डेमोक्रेट्स के साथ भी अच्छे रिलेशन रहें और रिपब्लिकन के साथ भी रहें तो इंडिया मोरलेस यहाँ पर न्यूट्रल रहेगा ट्रंप और बाइडन हमें ज़्यादा इससे डिफरेंस नहीं आना चाहिए ये टैक्स एंड द क्राइसिस है कोविड नाइन्टीन आर्टिकल थ्री सेवन जीरो और ये ब्रेकिंग डाउन अगेन जी एस टी पे ये पूरा सेम चीज़ है जो अभी हमने देखा जी एस टी की स्लेब्स पेमेंट्स और डिस्प्यूट्स में अभी क्या कंपनसेशन इशूज़ हैं ये मन्नार लैंड स्लाइड है यहाँ पर बताया कि ये लैंड स्लाइड क्यों हुआ एक तो ये स्लोप है जैसे ये है ना फोर्टी डिग्री का स्लोप है अगर पानी ज़्यादा गिरता है तो सॉइल यहाँ पर लूजन हो जाती है और ऐसे स्लाइड हो जाती है सो दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली हैपन वलरेबल एरिया है ये वर्ल्ड न्यूज़ में अगेन यहाँ पे दिस इज़ बेलारस और ये है हांगकॉन्ग इकॉनमी में करंट अकाउंट्स राउटिंग टर्म जो होता है करेंट अकाउंट्स आर बी आई बैन करने का प्लान है चेन्नई पोर्ट ब्लेयर सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कंज्यूमर बिहेवियर लाइकली टू बी अलर्टेड ऑल्टर्ड परमानेंटली वाई कोविड नाइन्टीन कंज्यूमर्स अब ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं बचत पे ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं जो स्पेंड ट्रिफ्ट एटीट्यूड था वो कम हो रहा है देन दिस इज़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और ये एक ऐप है उमंग उमंग ऐप इसमें बहुत सारे मोबाइल ऐप्स को इन्होंने क्लब किया है गवर्नमेंट सर्विसेज दिस इज़ उमंग एप ई पी एफ ओ क्लेम सेटल्ड सो फॉर इन दिस फाइल्ड वाया उमंग एप दिस इज उमंग ऐप फॉर ई पी एफ ओ गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐप्स अभी लॉन्च होते हैं इन पर भी एक कीपट टैब अक्सर इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे ई पी ई एफ ओ का ये है वाया दिस उमंग ऐप देन दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्दी है टेल्कोज इंसॉल्वेंसी हो रही है आप दिवालिया है बट आप उस केस में स्पेक्ट्रम सेल नहीं कर सकते गवर्नमेंट टेल्स टू सुप्रीम कोर्ट टिकटॉक कौन खरीदेगा इस पर अभी बात चल रही है माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर यूएस ऑपरेशंस तो ये है स्पोर्ट्स सेक्शन एंड दिस इज इकॉनमी नाउ ये है नाउ इन्फोग्राफिक्स इन्फोग्राफिक्स में ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है ये नॉर्थ अंडमान है दिस इज इम्पॉर्टेंट मिडिल अंडमान है ये बैरन आइलैंड है ये स्वराज द्वीप है ये शहीद द्वीप है ये फिर साउथ अंडमान आ जाता है फिर ये पोर्ट ब्लेयर है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड रॉस आइलैंड का नया नाम है ये तीन नाम चेंज हुए थे अभी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है यहाँ पे ट्राइब्स भी रहती है इन दोनों के बीच में और लिटिल अंडमान के बीच में ये है डंकन पैसेज फिर ये अंडमान सी है और फिर आता है टेन डिग्री चैनल जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है तो यहाँ अंडमान है फिर नीचे निकोबार आ जाता है फिर ये निकोबार है और ये ग्रेट चैनल और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट तो दिस लोकेशन इज इंपॉर्टेंट बैरन आइलैंड नॉर्थ मिडिल साउथ लिटिल अंडमान डंकन पैसेज टेन डिग्री देन दिस इज निकोबार आइलैंड क्विज में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड किया था आंसर दिस क्वेश्चन दैन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था आंसर दिस क्वेश्चन ए बी सी डी देन एनकरेज एग्रीकल्चरल सिस्टम एंड कंस्ट्रक्टेड मैनी कैनाल्स कैनाल्स ये जो दहली सल्तनत था इनमें काफ़ी ज़्यादा वर्क किया है एग्रीकल्चर और कैनाल्स में किस किंग ने किया था आंसर दिस क्वेश्चन चोला किंगडम में नाडू ऐसे टर्म्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं नाडू जो है इसका क्या मतलब होता है नाडू रेफर्स टू वॉट देन दिस इज़ अबाउट सजदा सिजदा जो है प्रैक्टिस ये किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में ऐसे फॉलोइंगड इंट्रोड्यूस्ड नाउ दिस इज वोकैबुलरी स्टडीज क्विज के आंसर शेड इन टेलीग्राम है लुक देन दिस इज प्रिज्युडाइज प्रिज्युडाइज मतलब होता है पूर्वाग्रह होना आपने पहले ही मन बना के रख लिया है कि ये चीज़ ऐसे होगा पहले ही मन बना लिया है ये पढ़ाई हो ही नहीं पाएगी ये एग्जाम डिफिकल्ट है आंसर राइटिंग नहीं होगा सो दैट इज दिस प्रिज्युडाइज आपने पहले ही माइंड मेकअप कर लिया है जेनिथ का मतलब होता है चरम सीमा दिस पराकाष्ठा दैट इज हाइट्स हाइट है आपके करियर का हाइट है करियर इज नाउ एट इट्स जेनिथ ये यार्डस्टिक है यार्ड स्टिक मतलब मापदंड है आप इवेलुएट करते हो चीज़ों को सिविल सर्विसेज इवेलुएट कर रही है इंटरव्यू में आपको तो उनका यार्ड स्टिक क्या है इंटीग्रिटी इज द यार्ड स्टिक दिस इज मापदंड ये इपिटोमाइज है इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सटीक उदाहरण होना लाइक द फिल्म स्टार दिस इपिटोमाइज ग्रेस एंड एलिगेंस का सटीक उदाहरण थे तो दैट इज दिस इपिटोमाइज सिरीन है सिरीन है मतलब बहुत शांत है बहुत शांतिपूर्वक काम करता है the serenity ऑफ माउंटेन्स दिस इज serene. ये ग्रामर है इडियम्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ब्लू मून ब्लू मतलब वेरी रेयरली ये काम होता है दैट इज़ ब्लू मून मॉन्टी पनेसर ने सचिन तेंदुलकर को आउट किया इंटरव्यू के लिए वो गया कि एक आप मुझे इसमें ऑटोग्राफ दो सचिन ने लिखा था बॉल पे वंस इन अ ब्लू मून इस बार आउट कर दिया नेक्स्ट टाइम नहीं कर पाओगे ब्लू मून वेरी रेयरली कोल्ड लाइट ऑफ द डे दिस इज़ विशफुल परस्पेक्टिव से परे है फ्रॉम अ रियलिस्टिक रादर दैन विशफुल परस्पेक्टिव मतलब रियलिस्टिक है वो कोल्ड लाइट ऑफ डे टाइम इज मनी मतलब टाइम वैल्यूएबल होता है इसको वेस्ट नहीं करना है अबाउट टाइम मतलब फॉर पास द डिज़ायर्ड टाइम फार पास द डिज़ायर्ड टाइम दैट इज दिस इज जस्ट अबाउट टाइम अ हेड ऑफ द कर्व मतलब सब यहाँ पर है आप आगे हो इनोवेट है न्यू आइडियाज एडवासिंग ऑफ अदर्स अराउंड द क्लॉक है मतलब आप हमेशा वो काम कर रहे हो एट ऑल टाइम्स निक ऑफ द टाइम मतलब एग्जाम्स आ गए हैं नाउ यू आर स्टडिंग जस्ट इन टाइम विद नो टाइम टू स्पेयर इन द डार्क मतलब अन अवेयर ऑफ समथिंग एंड मंथ ऑफ संडेज मतलब लॉन्ग टाइम मैनी मैनी मंथ्स तो ये कुछ इडियम्स हैं अबाउट टाइम ये ग्रामर है टुडे वी टॉक्ट अबाउट वोकैबुलरी प्रिजुडाइज जेनेट वोकेबुलरी प्रिजुटाइज एंड याडस्टिकन ये क्वेश्चन क्विज हैं आज के ये अंडमान निकोबार है बीओपी क्राइसिस थर्टीन ऑफ जुलाई गेट दिस पी डी ऑफ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट देन ये है दिस इज़ अबाउट जी एस टी इसको हम रिविजिट करेंगे देन योर व्यूज ऑन रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया दिस इज इम्पॉर्टेंट आइसोलेटिंग चाइना रियालिटी से परे है मिसप्लेसड प्रायोरिटी बी आई एस नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है ई आई ए ट्वेंटी ट्वेंटी रिलीफ फॉर एल्डरली पोस्टमैन मलक्का स्ट्रेट अंडमान एंड निकोबार And zero academic year. So, this is 11th of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.